बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए फिर एक न्यू वीडियो, और ये वीडियो काफ़ी झकास होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखते रहना, और जो भी वीडियो में मेरे न्यू हैं तो पूरे वीडियो को जाके सपोर्ट करो, एक से एक वीडियो बढ़े। तो आज हम लोग आए हैं गेट ऑफ इंडिया, और सो गाइज बहुत से लोग को पता भी नहीं होगा कि गेट ऑफ इंडिया बना क्यों था और इसका निर्माण कब हुआ था और किसने किया था। जिस भी लोग को पता नहीं है उन लोग को मैं बताना चाहूँगा, इसका निर्माण हुआ था रानी मैरी के भारत यात्रा करने के, उन्होंने यहीं से भारत में प्रवेश किया था, इसके लिए उनके याद में गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। एंट्री फीस यहाँ पे फ्री है, और जो भी यहाँ पे चार्जेस है मतलब सिप वगैरह के चार्जेस है, अगर सिप में अगर रह जाते हो आप तो वहाँ के चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं उस साइड, देखते उस साइड का लोकेशन कैसा है कैसा नहीं है। Let's go। काफ़ी ज़्यादा धूप है, और अगर आप दोपहर में आते हो तो क्या हालत होगा आपका पता नहीं। और यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है, अंदर जाना बंद है, जो भी करना है बाहर से फ़ोटो वगैरह खींच करते। उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पे क्राउड है। सामने ताज होटल है जस्ट मेरे सामने, और व्यू ऑसम व्यू आ रहा है, और इस साइड पूरा समुंदर है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे बोर्ड हैं, और गेट ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे है और काफ़ी बड़ा है। उतना यहाँ पे क्राउड तो है नहीं, लेकिन फिर भी है, मॉर्निंग का वक्त है इसके लिए उतना क्राउड नहीं है। अगर शाम का वक्त होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता। अगर यहाँ पे अगर आते हो आप तो कुछ भी लेके आओ इजीली, नहीं तो मॉर्निंग में आओ तो अच्छा पड़ेगा आप लोग के लिए। और वैसे भी ये वीडियो आने वाला है कल शाम तक के आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो वीडियो पे रिस्पॉन्स जो अच्छा आ रहा है क्योंकि वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ आजकल। फाइनली हम लोग स्टेशन पर आ चुके, और ये रहा चार्ज गेट, और अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, घर के लिए अभी गाड़ी पकड़ते। देख बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना है लाइक कमेंट एंड शेयर, और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।